तो हेलो स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोने टॉक अबाउट ह्यूमन आई एज यू ऑल आर वेल अवेयर दैट आई इज एन वेरी असेंशियल ऑर्गन ऑफ आर ह्यूमन बॉडी सो आज हम ह्यूमन आई की बात करेंगे यानी आँख की बात करेंगे सो फ्रॉम आउटसाइड इट लुक लाइक दिस एक्सटर्नल आई किस तरीके से दिखती है इसी तरीके से दिखती है बट इफ़ यू गोने टाइम एक्सटर्नल आई तो जो होती है वो इस तरीके से लाइट तो हम तो हमारी आंखों के अंदर आती है सो हाउ डू लाइट ट्रेवल्स इन आर आई दैट्स वी टॉक अबाउट इन दिस वीडियो आई जो लाइट जो है वो पहले आती है कॉर्निया पे कॉर्निया इज द आउटर लेयर विच हेल्प इन मूवमेंट ऑफ आई कॉर्निया जो है वो रिफ़्लेक्ट भी कर सकती है वो कुछ लाइट रिफ़्लेक्ट कर देती है जो बाकी वापस इन्वायमेंट में चली जाती है वहीं पे वो कुछ लाइट जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेती है अपने अंदर तो जब वो कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर लेती है तो वो एब्जॉर्ब लाइट इज़ नाउ फॉर द मूव इन द आई तो वो फिर कॉर्निया के थ्रू अंदर और जाती है अंदर उसको मिलता है प्यूपल प्यूपल इसके अंदर न... अंदर उसको मिलता है प्यूपल देन प्यूपल के अंदर उसको मिलता है लेंस लेंस इज द वन विच हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वी कैन से द कंसनट्रेशन ऑफ ऑल द लेंस हेल्प्स इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रेज विच आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड डायरेक्टेड टूवर्ड्स द रेटेना और वहाँ रेटेना पे वो इमेज बनाएगा तो होगा क्या लाइट आई लाइट आई सीधा कॉर्निया पे गई कॉर्निया से सीधा प्यूपल पे, प्यूपल से सीधा लेंस पे और लेंस से सीधा वो इमेज बनाएगी यहाँ पे सेंटर यानी कि किसके ऊपर रेटिना के ऊपर रेटिना होता है मेन लेयर जिसमें कि आई रेटिना इज़ द मेन लेयर जहाँ पे कि इमेज बनती है अब वो इमेज किस तरीके से बनती है उल्टी इमेज बनती है जो भी चीज़ हम देख रहे हैं हमारी आई के अंदर उसकी उल्टी इमेज बनती है यानी कि वो इमेज बनती है आ, अपसाइड डाउन इमेज बनती है फिर उसके बाद वो रेटेना से ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू जो होती है ऑप्टिक नर्व्स जो कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स कन्वर्ट करती है और वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में जाती है देन आफ्टर प्रिसीविंग फ्रॉम ब्रेन वो जो इमेज हमें उल्टी मिली थी वो उसको इरेक्ट करता है यानी वो उसे सीधी बनाता है और सीधी बनाने के बाद हमें जो चीज़ जैसी है वो वैसी नज़र आती है सो दिस इज़ ऑल अबाउट आई आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर थैंक यू